नवाबा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हत्या आरोपियों ने लाइसेंसी पिस्टल से कार सवार को मारी थी गोली। हत्या आरोपी गोली मारकर फरार होने के फिराक में थे। अपर पुलिस अधीक्षक झांसी नगर विवेक त्रिपाठी ने कई टीमों को गठित किया और मोबाइल की लोकेशन के आधार पर ओरछा रोड से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 3 जिंदा कारतूस बरामद। जानकारी के अनुसार मामले टक्कर को लेकर हुए विवाद में बुलेट मोटरसाइकिल सवार दवा कारोबारी द्वारा कार सवारी युवक को गोली मार के हत्या की गई। इस मामले में पुलिस ने आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नवाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत जीवन शाह तिराहे पर कुछ समय पूर्व एक बारात से निकलते समय कार तथा बुलेट मोटरसाइकिल में आपस में टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इस पर बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार दवा कारोबारी बिना नायक ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से कार में सवार मोहित मिश्रा को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद हत्यारोपी मोटरसाइकिल मौके पर छोड़कर भाग निकला। पुलिस को घटना के बाद से आरोपी के तलाश थे। अपर पुलिस अधीक्षक नगर विवेक त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया और जिसको गिरफ्तार करने के लिए कई टीमों को गठित किया गया था। आज पुलिस ने आरोपी के मोबाइल के लोकेशन के आधार पर उसे ओरछा रोड से गिरफ्तार कर लिया तथा हत्या में प्रयुक्त पिस्टल 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। सायं लगभग 8:30 बजे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसका नाम मोहित मिश्रा था। उसमें हत्यारोपी विनय नायक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय के निर्देशन में गठित टीम द्वारा और स्वाट टीम और प्रभारी निरीक्षक नवाबाद द्वारा हत्यारोपी को एक लाइसेंसी रिवाल्वर, 3 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। सर, हत्या करने का क्या कारण रहा? हत्या कारण प्रथम दृष्टया रोड पर गाड़ियों की टकराने के कारण हुई लड़ाई पाई गई है। अन्य कारणों के बारे में विवेचना की जा रही है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी कहां से पकड़ा सर? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें कई टीमें लगाई गई थी। आरोपी को मऊरानीपुर चुंगी से ओरछा की तरफ लगभग 500 मीटर की दूरी पर इसको पकड़ा गया है और जो टीमें लगाई गई थी उसमें सर्विलांस टीम, स्वाट टीम और आपराधिक इतिहास और अन्य आपराधिक कृत्यों के बारे में विवेचना की जा रही है। क्या ये घटना के बाद मध्य प्रदेश में भी अरेस्ट हुआ है? ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि ये निवाड़ी जनपद में कहीं पे अरेस्ट हुआ था और जब ये झांसी जनपद में जब इसने कहीं जाने की फिराक में था उस समय पकड़ा गया।